हेलो गाइस, आपका कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे कि आप फेसबुक पे ऐड कैसे रन कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी ऐड पे या अपनी फेसबुक आईडी पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्रिएट पे जाकर क्लिक करना है, फिर ऐड पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद एड मैनेजर आपका ओपन होगा। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू कैंपेन, ठीक है? ओके, वो आपको बताते हैं। आप इसमें ब्रांड की, जैसे आपका कोई ब्रांड है उसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच ला सकते हैं। अपनी वेबसाइट या फेसबुक या आपका कोई कोर्स है, किसी भी चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक एंगेज्ड, ऐप इंस्टॉल करानी है उसके लिए, वीडियोस पे आपको व्यूज चाहिए उसके लिए है, लीड जनरेशन के लिए है। ओके, और देन लास्ट में मैसेज, आपको जैसे मैसेज चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के लिए। कन्वर्जेशन आपका, अगर सेल्स करनी है आपका किसी प्रोडक्ट की, उस चीज़ के लिए, स्टोर ट्रैफिक के लिए। ओके, जैसे अगर मान लो हम चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स आए, उसके लिए ट्रैफिक चाहिए, ठीक है? अगर हम कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन, जैसे मान लीजिए हम कोई भी कोर्स लॉन्च करते हैं, तो कोर्स के लिए हम सबसे पहले हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रैफिक आए, ताकि वो हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। स्पेशल एड्स कैटेगरी, ओके, रेड दब, ये लोड हो रहा है। ये ओपन हो गया। तो जैसे कैंपेनिंग नेम, आप किस चीज का ट्रैफिक, ट्रैफिक किस चीज का, जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ओके, देन इसे बजट को ऑफ कर देना आपने, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एड सेट नेम, ठीक है, यहाँ पे भी हम डाल देंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ओके, देन हमें नीचे आना हमारी, जैसे मान लो अगर हम चाहते हैं कि हमने वेबसाइट पे कोर्स डाला है, तो वेबसाइट पे क्लिक, यहाँ पे इस पर चूज करना है। अगर ऐप है आपके पास, मैसेंजर, व्हाट्सएप, वो आपको अपने हिसाब से कि आपको ट्रैफिक किस चीज़ पे चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए वेबसाइट पे, ओके, मैं वेबसाइट पे कोर्स पाया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें, देन आगे से आगे ऐसे करके अपना कोर्स। देन आ जाएगा आपका डायनेमिक क्रेडिट, इसको आपने ऑन करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, देन आपको ऑडियंस पे आना है, क्रिएट न्यू ऑडियंस, या आपने पहले अगर आप अपने फेसबुक ऐड रन कर रहे हो तो आपको वही ऑडियंस चाहिए। देन हम कर लेते हैं क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है? ओके, कस्टम ऑडियंस, ठीक है, आपको देखो ये लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, आपको क्या चाहिए, हमें ऑल चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम अपनी लोकेशन सेट करेंगे कि हमें कहाँ से ऑडियंस चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अम्बाला में रहते हैं, ठीक है, पहले हम इंडिया क्लिक करेंगे, डन। थोड़ा आपको क्लियर दिखाते हैं, इंडिया में, इंडिया में टाइप है एडम और लोकेशन, मान लिया इंडिया में मैं दिखाता हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंडिया, ओके, ये आपके देखिए आगे चंडीगढ़ की लोकेशन, ठीक है?
देन आपको अपनी एज लिमिट के लिए कि आपको मान लें आपको कोर्स है, आपका कोर्स आप मान लो कि 18 से लेकर आपके अगर कोर्स करने वाले बच्चे 30 एज तक के हैं, फॉर एग्जांपल 30 एज या 40 मान लीजिए, ठीक है 40 एज तक के, तो आप अपनी एज लिमिट भी वो क्रिएट कर सकते हैं उसमें कि आपको ऑडियंस कितने से कितनी एज तक की चाहिए, क्योंकि हर के प्रोडक्ट पे होते हैं एज अलग अलग होती है इसके लिए, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल 18 to 14 ले लीजिए। अब आपके पास अगर आपका लेडीज का है या मेंस का है या आपके ऊपर है, जैसे मान लीजिए कोर्स मैन भी करेगा वुमेन भी करेगा, तो आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है डिटेल्ड टारगेटिंग, ऑल डेमोग्राफी आप इसमें डाल सकते हो, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्टिंग बिहेवियर, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग अवार्ड्स है, देन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है डिजिटल मार्केटिंग जो सर्च करेंगे वो हो गया। अब एक और मान लीजिए जैसे जैसे देखो आ गया ना इंटरेस्टेड बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे इसमें आता है एक SEO सर्च इंजन, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप मान लीजिए सर्च इंजन मार्केटिंग पे क्लिक कर लिए, ये आपके एड हो गया, ठीक है। देन आपको आपके ऊपर है कि आपका कोर्स किस टाइप का है, कैसा है, उसमें क्या चीज़ है। अब आप इसमें वो लैंग्वेज जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, इंग्लिश US की, ठीक है, और एक और लैंग्वेज जैसे हिंदी जो हमारी सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज होती है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया। और कनेक्शन ऑल पीपल, अब हम कर देंगे सेव दिस ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस नेम CCM वाला, लोकेशन हमने डाल दिया चंडीगढ़ की, एज लिमिट डाल दी हमने 18 से लेकर 40, और लैंग्वेज हमने कर दिया इंग्लिश और हिंदी। पीपल कौन से आएंगे, जैसे जिनका डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मार्केटिंग कह लो, ठीक है। देन हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हमें अपना बजट सेट करना पड़ेगा। देखो आपको दिखाता हूँ सबसे बढ़िया, सबसे पहले बजट सेव करना है। बजट से पहले हम आपको बताते हैं कि प्लेसमेंट, ये भी ये आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी, ठीक है, ये प्लेसमेंट आ गया। उसके बाद ये आज का ऑटो प्लेसमेंट अपने आप रिकमेंडेड कर देगा ये, ठीक है। ये मैनुअल आप अपने आप प्लेसमेंट कहाँ पे आपको कहाँ की प्लेसमेंट चाहिए वो भी हो जाएगा यहाँ से। देन आपको आपको अपना बजट सेट करना पड़ेगा। बजट सेट करने से पहले ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि आपके जो लिंक है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक किए जाए, ठीक है। देन हमने ले लिया लिंक। अब आपके पास है कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट पर लिंक क्लिक, ऐसा मान लो वेबसाइट डाल रहे हो, आप वेबसाइट पर जाना चाहते हो, आप वो चाहे वो डाल सकते हो अपना प्राइस, कि जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि एक पर ₹5, अगर एक बंदा क्लिक करे वेबसाइट पे तो मेरे ₹5 अपने आप उससे कट हो जाए, ठीक है। डेली बजट आता है इसमें, एक आता है एक डेली बजट हो गया, एक लाइफ टाइम बजट हो गया, वो आपके ऊपर, आपने लाइफ टाइम का बजट लगाना है, डेली बजट लगाना है, ठीक है। मैंने डेली बजट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे डाल दिए फॉर एग्जाम्पल 400, ठीक है 400 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड पर डे में वेरी, ठीक है। रन माय एड्स एंड कंपनी स्टार्टिंग टुडे सेटा स्टार्ट एंड एंड द डेट, वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ से कि आपकी स्टार्टिंग डेट कौन सी होगी और एंड डेट कौन सी होगी। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके जैसे मान लीजिए आज 31/7 मैं चाहता हूँ कि ये एड चले 5 दिन की, मान लीजिए जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 5 तक, ठीक है 5 तक होगी, ठीक है 5/8/2020 अगले महीने की 5 तारीख तक, ठीक है। ये देखो एड सेट बजट 2000, मतलब ये डेली की, ये पर डे की आ रही है, ठीक है, पर डे की 400। आप फॉर एग्जाम्पल नहीं तो आपको अगर ज़्यादा लगता है आप 200 डाल लो, ठीक है, ये देखो 200 डालते ही आपका बजट बनता है 2000 पीस का, ठीक है। यू विल स्पेंड
नो मोर देन 2000। अब 1 डे में देखो, योर एड विल बी रन फॉर 5 डेज, ओके। देन ये आपका एस्टिमेटेड एक टैक्स भी लगेगा। जैसे आपने मान लो 400-200 के ऐड है, आपने 5 दिन की चलाई, या मान लो 2000 रुपये के आपने ऐड चला दी 5 दिन के, ठीक है, तो डेली की कितनी होगी, 400, ओके। देन 400 डेली की होगी तो कितने का, 4 5 20, मतलब 2000 रुपीज़। 2000 पे एस्टिमेट टैक्स भी लगता है, वो लगेगा आपका 360, ठीक है, 360 आपका टैक्स लगेगा। देन सो मोर ऑप्शन, क्या होता है कि हमें हर ऑप्शन चेक करना चाहिए, क्योंकि हर ऑप्शन में अलग से अलग चीज होती है जो हमें एक बार देखनी जरूर चाहिए। देखो ये देखो, व्हेन यू आर चार्ज इंप्रेसिव एड्स ड्यूरिंग रन एड्स ऑल द टाइम डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड, ये आपका अपने आप, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आपकी ये देखो, दो आपके कैंपेनिंग एंड एड सेट हो गया, ठीक है। अब आती है एड, ये देखो, मतलब कि आपको एड नेम यहाँ पे हम कर देते हैं डिफॉल्ट नेम्स ट्रैफिक, ओके। चेंज भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि यही। अब देखो मैं आपको सबसे, मैंने एक चीज इसमें लगा ऐड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कंप्यूटर है हमारा, कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक का पेज है वो तो इस पर लिंक हो गया है, ठीक है। पर मैंने एक आईडी ऐसी डाली अम्बाला के बनाकर, अम्बाला CCA, जो मतलब हम चलाते नहीं है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, नए 0 उस पर फॉलोअर्स, 0 व्यूज, जो कि 0 वीडियो है, 0 पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए बनाई है। और ना उस पर कोई लोगो लगा रखा है, ना उसकी कोई प्रोफाइल पिक लगा रखी है। देखो देन इसके नीचे देखो क्या क्या, योर एड वुड नॉट रन ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज द सिलेक्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट डज नॉट हैव अ प्रोफाइल फोटो, एड अ प्रोफाइल पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम और सिलेक्ट अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। आपको ऐसा करना है कि जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपकी उसमें प्रोफाइल पिक होनी चाहिए, वो आपकी चलने वाली आईडी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाती है। देन ये आ गया फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे मीडिया। अब देखो आपके पास ऑप्शन आते हैं मीडिया में भी, एड अ मीडिया, क्रिएट अ स्लाइड शो, क्रिएट अ वीडियो। इसमें क्या होता है, जैसे देखो एड अ मीडिया में आपने मीडिया ऐड कर दिया, ठीक है, डन। क्रिएट स्लाइड में क्या होता है, स्लाइड शो में क्या होता है कि आप अगर 2 से मान लो आप 10 पिक्स डालते हो, वो आप अपने आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो कि स्लाइड में कैसी चले, कैसी होंगी, वो अपने आप क्रिएट कर सकते हो। वीडियो को भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया एड मीडिया, एड इमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी बनी होगी पहले से वो ही आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, सॉरी फ्रेंड नेट थोड़ा स्लो है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली चला दी, ठीक है, ये हमारी पुरानी है, बना रखी है मैंने पोस्ट, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक, ये देखो आ गया, देखो 1 of 10 थी इमेज, एक इमेज डाली है मैंने अभी। उसके बाद आ गए प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, अभी दिखाते हैं इसमें भी आपको ऑप्शन। जैसे मान लो एक यहाँ आ गया डिस्क्रिप्शन, हमें अपने कोर्स की डालने के, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इसमें हम मान लो ऐसे डाल देंगे, इसमें हमारी डिस्क्रिप्शन के, हम इस कोर्स में ये करवा रहे हैं, वो सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट, जैसे मान लीजिए CCEambala.com, नहीं नहीं ये हमारी दूसरी वेबसाइट चल गई, सॉरी फ्रेंड्स, CCEdigital, ये देखो CCEdigital, ये हमारा एडमिन का आ गया। अगर हमें जैसे चाहिए, मान लो मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से, ये हमारी CCEdigital की वेबसाइट है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे से
कि मेरे को इस पर ट्रैफिक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे ये आपका हो गया सीसी डिजिटल का। अब देखो इसमें एरर आ गया, ये देखो नीचे आ गया द लिंक फील्ड। अब अपलोड हो गया लिंक, ये देखो ये भी आ गया। ठीक है, वो एरर कई बार दिखा देता है, आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने इसमें प्राइमरी टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐड अनदर ऑप्शन हेडलाइंस में आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आप फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो आपने पोस्ट डाली है वो मोबाइल न्यूज़, जैसे हम मोबाइल में जब चलाते हैं नीचे की तरफ वो करते रहते हैं, फीड करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, उसमें ये ऐसे आपको शो होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, देन ओके, देन नीचे क्लिक करना है डिस्प्ले लिंक, आपको कुछ लिंक है डालना है, एंटर द लिंक। ठीक है, एंटर द लिंक डैट यू वॉन्ट टू शो ऑन योर एड, आपको किसी भी टाइप का लिंक डालना है कि आपको वो ऐड पे लगाना है, तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें लर्न मोर बटन, लर्न मोर बटन पे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखो आपके पास आपको क्या करना है कि कोई फॉर्म है उस पर अप्लाई ना कराना है, फर्स्ट टाइम वाज मतलब कि आपकी वीडियोज पर वाज मोर सब्सक्राइबर चाहिए आपको यूट्यूब चैनल पे सिग्नेचर। ठीक है, शॉप नाउ पे अगर आपकी कुछ मार्केटिंग की आप इसमें शॉप नाउ पे कर सकते हो, लिस्ट नाउ सी मेन्यू, आपको कोई मेन्यू है उस पर आप कर देते हैं लर्न मोर बटन पे। ठीक है, अगर आप और कोई ऑप्शन भी क्रिएट करना चाहते हो वो भी यहाँ से हो जाएगा। ये आपका आ जाता है कि आपको फेसबुक के पिक्सल ऐप है, इवेंट्स है, ऑफलाइन इवेंट्स, इसके लिए आप सेटअप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देन आपको कंटिन्यू करना है। क्या हो रहा है ना, कंफर्मिंग योर आइटम्स, दिस में टेक अ फ्यू सेकंड। ये आ गए, ये हमारी जो ऐड पहले लगी हुई थी कितने कितने की लगाई वो सारे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने पहले ऐड नहीं लगाई हुई तो आपको डायरेक्ट आएगा कि आपकी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, आपको उसमें यूपीआई, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी आपकी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।